नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव 2024 में कैसा प्रभाव देंगे। जनवरी 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे, यानी मिथुन राशि को आपके भाग्य भाव पे, नवम भाव पे गोचर करेंगे और उसके बाद वो वक्री हो जाएंगे 30 जून के बाद। देखिए, यह वीडियो आपके सामने लाने का केवल एक ही उद्देश्य है मिथुन राशि जातकों की। आप जनवरी से लेकर 30 जून तक अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपका समय किस क्षेत्र में सपोर्ट कर रहा है, कहां पर आपको सफलता मिल सकती है, आप इसके बारे में जान सकते हैं। और इसको जानने के बाद यदि आप उन क्षेत्रों में प्रयास करते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव आपके नौवें भाव पे गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव पे, और अपनी मूल त्रिकोण की राशि में हैं और शश नामक राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का फलदाता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार अनुरूप रिजल्ट देने का काम करते हैं। साथ ही शनिदेव को फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदार, निर्माण का कार्य, लोहे से जुड़ी वस्तुएं, साथ ही वाहन से जुड़े हुए कार्य, ऑटो पार्ट, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है और विशेष तौर पर शनि से जुड़ी हुई प्रभावी चीज़ें होती है। तो जब शनिदेव जनवरी 2024 से लेकर 30 जून तक नवम भाव में है तो आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन अवश्य लेकर आने वाले होंगे। जब भी शनिदेव नवमें भाव पर गोचर बसाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के भाग में कमी देखने को जरूर मिलती है, क्योंकि ये अष्टमेश हैं और नवम भाव के स्वामी होकर नौवें भाव पे बैठ जाते हैं। आपको स्पष्ट बता दूं कि यदि आप भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो आपके कार्य अटक जाएंगे। जो हमारे मिथुन राशि वाले जातक हैं, आप भाग्य का इंतजार ना करें बल्कि अपने आपको डेवलपमेंट करें और मेहनत करने से आप पीछे ना हटें। अगर आप अपनी लगन से मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं तो हर कार्य आपके बनते चले जाएंगे। दूसरी बात, इस समयावधि में आध्यात्मिक की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी, भक्ति वैराग्यता की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, आप थोड़ा सा धार्मिकता की ओर अग्रसर होंगे। यदि आप धर्म कर्म से जुड़े कार्य कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिदेव आपके नवम भाव पर बैठे हैं। अब तीसरी दृष्टि से शनिदेव देखेंगे मिथुन राशि को आपके लाभ भाव के, इनकम भाव को, तो इनकम को भी बढ़ाएंगे और भाग्य का और लाभ भाव का जब संबंध बन जाए तो वह जातक उस दरमियान अच्छे पैसे कमा लेता है। यानी आप पैसे तो जनवरी से लेकर 30 जून तक बहुत अच्छा कमा लेंगे, पैसे की दिक्कत नहीं होगी, बिजनेस व्यापार चलेगा, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, नौकरी की प्राप्ति होगी, पदोन्नत की प्राप्ति होगी, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा। मिथुन राशि को शनि कर्म फलदाता शनिदेव आपके भाग्य को चमका देंगे, भाग्य को निखार देंगे और आपको बिल्कुल लोहे से सोना बना देंगे। जो कहते हैं ना कि सोने में चमक होती है, उस तरह से आपको चमका देंगे। परिश्रम तो होगा लेकिन ये परिश्रम आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होगा, बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा। विदेश जाने का भी लाभ मिलेगा क्योंकि यहाँ से लंबी दूरी की यात्रा होगी। लंबी दूरी की यात्रा मतलब आप विदेश भी जा सकते हैं या फिर बिजनेस व्यापार संबंधित आपकी यात्राएँ होती रहेंगी। यात्रा धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि धार्मिक यात्रा भी हो सकती है और यहाँ पर आपको छोटे भाई बहनों से भी सहयोग की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ बता दें कि नौकरी में भी आपको लाभ होगा लेकिन कुछ शत्रु विरोधी गतिविधियाँ तेज रहेंगे, थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कुछ ऋण कर्ज से परेशान हो सकते हैं, पहले से अगर आपने लिया है तो उसे चुकता करते करते ही आपका समय बीत जाएगा, तो इस दरमियान आपको पुराने ऋण कर्जों से भी मुक्ति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा लेकिन सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है। जल्दबाजी में आकर होशो हवास ना गवा कर कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ना ले, नहीं तो मिथुन राशि को आपके लिए ये समय अच्छा भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि शनिदेव कोहराम मचा देंगे। शनिदेव नवम भाव पे बैठेंगे तो अष्टमेश हैं तो कार्यों में रुकावट, परेशानियां, दुर्घटना के भी योग बना देंगे। थोड़ी सी आपको ध्यान रखना होगा, आपको पैरों तले जंघा से नीचे के क्षेत्र में आपको दिक्कतें भी आ सकती, थोड़ी सी ध्यान रखने होंगे। इसमें किसी को उधार कर्जा न दें, बहसबाजी न करें, आप किसी से भी पैसा उधार लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ऋण कर्ज में कोई भी काम ना करें, पार्टनर में काम करते हैं तो पारदर्शिता रखना होगा वरना विवाद की स्थिति भी बन सकती है। साथ ही साथ बता दें कि मिथुन राशि तो शनिदेव का यह गोचरी स्थिति आपके भाग्य को तो चमकाएगा लेकिन कुछ न कुछ परेशानियां, दुर्घटना के योग भी दिखाएगा। विदेश जाने के सपने तो साकार होंगे लेकिन थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देकर चलना होगा।
ज़्यादा लंबी दूरी की यात्रा होगी, लेकिन अपने साजो सामान और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत होगी। किसी को उधार कर्जा न दें। बैंक से लोन वगैरह मंजूर होगा, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। दिन रात मेहनत के बावजूद आपको सफलता मिलेगी। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है, लेकिन आपको प्रयास जारी रखना होगा। किसी भी कार्य में आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी होगी। मिथुन राशि को लंबे समय से पेंडिंग काम, अटके हुए कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। विरोधी खेमे में भी हलचल मचेगी। अब यहाँ पर देखिए, इम्पोर्टेंट फैसले डिसीजन लेने में आप आगे रहेंगे, समाज सेवी रहेंगे, समाज में आपका नाम होगा, क्योंकि आप धार्मिकता की ओर बढ़ेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में सहयोग देंगे, किसी से भी सहयोग ले सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी, महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, लंबे समय से पेंडिंग काम को पूरा करेंगे। अनसुलझे मुद्दे सुलझेंगे, कोई कई अन्य कार्यों से भी आपको लाभ हो सकता है। जो कार्य नहीं बने वो कार्य बनते नजर आएंगे। धन से संबंधित कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, कुछ अच्छे कार्यों में भी विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। लाभ की स्थिति बनी रहेगी और साथ ही साथ भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। उच्च अधिकारियों का सपोर्ट प्राप्त होगा। मान सम्मान की प्राप्ति, ट्रांसफर के योग बनेंगे। नौकरी कर रहे हैं जो जातक, प्रमोशन मिलेगा। बड़ी कंपनी से ऑफर आ सकते हैं, चेंजिंग दिखाई देगा। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होगा। स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कंपटीशन की तैयारियों में व्यस्त हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और संतान की प्राप्ति में भी थोड़ा सा डिले तो कह सकते हैं, लेकिन होगा जरूर। और साथ ही साथ बता दें कि संतान से सुख होगा, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, प्रेम संबंधों में भी निखारता आएगी, लेकिन रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट भी देखने को मिलेगी। जो अविवाहित जातक है उनके विवाह के रिश्ते भी आएंगे। इस दरमियान बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। निजी कार्यों के लिए आप यात्रा कर सकते हैं। साथ ही धन प्राप्ति के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ होगा। अगर कोई ऑयल वगैरह का काम करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़े हुए हैं, लोहे से जुड़े काम करते हैं, तो निश्चित ही आपको बहुत लाभ होगा। व्यापार में आपको दुगना धन लाभ हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको दुगना धन लाभ हो सकता है, लेकिन बस आपको प्रयास करते रहना जारी रखना होगा। किसी भी कार्य में जल्दबाजी दिखानी होगी, वो कार्य आपके लिए 100% लाभदायक होगा। कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा दोस्त आपके कार्यों में सहयोग देगा जो लाभ होगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, मित्र की वजह से भी धन लाभ की प्राप्ति होगी। रिश्तों में भी मधुरता रहेगी, रिश्तेदारों का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ बता दें कि गाड़ी वाहन का सुख प्राप्त करेंगे, खरीदारी कर सकते हैं। जमीन प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला लाभ होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में जो उलझने थी वो दूर होती नजर आएगी। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मिथुन राशि को इस समय आपको शनिदेव के उपाय करने चाहिए। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और शनिदेव के मंदिर में जाकर एक सरसों का तेल का दीपक जलाएं और काली उड़द काली तिल का दान करें, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा बेनिफिट प्राप्त होगा। तो ये था मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जनवरी से 30 जून तक का राशिफल, जो शनिदेव का प्रभाव कैसा रहेगा, ये हमने जानकारी दी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट भी लिखिएगा। जय शनिदेव।